नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है ज्येष्ठ माह का अंतिम बड़ा मंगल। जानिए शुभ मुहूर्त और इसका महत्व क्या है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं जेठ माह का सबसे बड़ा मंगल, इसका शुभ मुहूर्त और महात्म क्या है। हरि प्रेमियों, हिंदुओं में ज्येष्ठ माह को के मंगल को असाधारण रूप से शुभ और बहुत ही पवित्र माना जाता है, और जो पौराणिक कथाओं के अनुसार इस अवसर पर भगवान हनुमान जी की पूजा करने से सभी भक्तों को मनवांछित फल मिलता है। बड़ा मंगल को बुधवा मंगल भी कहा जाता है और इससे एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना भी माना जाता है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 30 मई 2023 को आखिरी बड़ा मंगल मनाया जाएगा। आखिरी बड़ा मंगल के पालन के साथ साथ हमारे देश में गंगा दशहरे का त्यौहार भी इसका गवाह बनेगा। जेठ माह में हर मंगलवार को देश भर के हिंदू भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं। इस विशेष अवसर पर भक्त हनुमान जी को माला और हलवा पूरी या कोई भी प्रिय खाद्य पदार्थ भोग लगाते हैं। इसके बाद गरीबों को प्रसाद बांटा जाता है और भोग प्रसाने से सभी मंगल संबंधी समस्याओं का समाधान भी होता है। बड़ा मंगल की पूजा विधि और भोग। बड़ा मंगल के दिन सूर्य निकलने से पहले उठकर स्नान कर ले और फिर साफ कपड़े डाल ले। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति को श्री गंगा जल से साफ कर ले। फिर हनुमान जी को फूल, अक्षत, धूप, दीप, चंदन और लाल या फिर नारंगी रंग का लंगोट पहनाए। हनुमान जी को मोतीचूर का लड्डू या फिर बूंदी का ही भोग लगाए कि हनुमान जी को बूंदी बहुत पसंद है। बुढ़वा मंगल का संबंध रामायण और महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार अपनी शक्तियों पर भीम को बहुत ही अहंकार हो गया था, तभी हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप लेकर वहां पहुंच गए और भीम को सबक सिखाया और उसका घमंड तोड़ा। तभी से बुढ़वा मंगलवार की परंपरा भी शुरू हो गई और इसके अलावा रामायण काल से भी इसका बहुत ही गहरा संबंध रहा है। कहते हैं जब हनुमान जी माता सीता को खोजते हुए लंका में पहुँचे तो रावण ने उन्हें वानर बोलकर मजाक उड़ाया था। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को आग लगा दी और रावण का घमंड चूर कर दिया। बुढ़वा मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी बहुत शुभदायी है और फलदायी है। इस दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी पाठ जरूर करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करके मंत्रों का जाप करके उनकी आरती भी जरूर करनी चाहिए। सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ कम समय में पढ़ा जाने वाला हिंदी में हमारे इस चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। हरि प्रेमियों, आपको ये बुढ़वा मंगलवार की जानकारी और पौराणिक कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए
और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।